Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 30th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Israel's annexation of West Bank. And this topic is important from our syllabus, paper 3, international relations point of view. And it is also important for political science optional students for their subtopic international system in paper 2. सबसे पहले basic mapping कर लेते हैं Israel और Palestine की. तो देखो, this is a country Israel that is situated on the eastern coast of Mediterranean Sea. आप देख सकते हैं Mediterranean Sea का eastern coast है, यहाँ पे country Israel है और उसके साथ दो छोटी छोटी territories जो मैंने यहाँ represent की है. One is West Bank, यहाँ पे आप देख सकते हैं West Bank, and another one is Gaza Strip. These two are part of Palestinian territory. अब Palestine can be called a country also, and it can also not be called a country. Reason being कि देखो, international level पे तो कोई ऐसा कोई technical definition नहीं है कि किस भी territory को हम country कैसे कह सकते हैं, but there are two basic criteria that are generally followed. One, if that region, if that system is part of United Nation as a member, then it is, or it can be considered as a country. So from this standard, Palestine cannot be considered as a country, since Palestine has not got a permanent status and a membership at United Nation. But अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू पैलेस्तीन वे बैक इन 1988 इटसेल्फ. सो फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड फॉर इंडियंस, फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, वी कैन कॉल पैलेस्तीन अ कंट्री. सो मोर और लेस दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ इज़राइल एंड पैलेस्तीन. लुक, दीज कंट्रीज आर सिचुएटेड इन वेस्ट एशिया एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्तीन एंड इज़राइल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया. पैलेस्तीनियन और इज़राइली लोगों के बीच में पूरा का पूरा सेक्टेरियन डिफरेंस है. पैलेस्तीनियंस आर अरब स्पीकिंग इस्लामिक पीपल, ये अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं एंड देयर रिलीजन इज इस्लामिक, वाइल इज़राइली आर ज्यूज पीपल. और इनके बीच में काफ़ी ट्रेडिशनल टाइम से, काफ़ी हिस्टोरिकल टाइम से इनके बीच में हॉस्टिलिटी है, कन्फ्लिक्ट है. इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच का जो पूरा कन्फ्लिक्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, दैट वी हैड कवर्ड इन आर न्यूज़पेपर एनालिसिस इन डिटेल ऑन 21st May 2020. तो आपको अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना है इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच का, तो आप ये 21st May के न्यूज़पेपर एनालिसिस को देख सकते हैं. हियर वी विल बी टेकिंग अप द करंट इशूज. तो करंट इशू को समझने के लिए हमें ज़रा बेसिक समझना होगा. एज ए सेड कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में पैलेस्तीनियन लोग रहते हैं जो इस्लामिक कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, जबकि ये जो बाकी की टेरिटरी है वहाँ पर इसराइली लोग रहते हैं जो जूस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. और ये इसराइल मिलिट्रली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है. They are very powerful as far as their military power is concerned. तो ये इज़राइल करता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी इन पैलेस्तीनियन लोगों से कैप्चर करते रहता है धीरे धीरे. इज़राइली जो आर्मी है वो थोड़ी थोड़ी टेरिटरी कैप्चर करते जाती है इन पैलेस्तीनियन लोगों से, और इज़राइली आर्मी हेल्प करती है जूस लोगों को टू सेटल इन दिस रीजन. और धीरे धीरे जूस लोग इस एरिया में, वेस्ट बैंक रीजन में सेटल हो करके ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द पैलेस्तीनियन पीपल. और इस कारण से पैलेस्तीनियन लोग भी फिर काउंटर एक्ट करते हैं. दे हैव फ्लोटेड सो मेनी टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास, जो इन इजरायली लोगों के ऊपर टेररिस्ट अटैक करता रहता है, वायलेंट अटैक करता रहता है. और इस कारण से इसराइल के तरफ से, इसराइल की आर्मी और पैलेस्तीन के तरफ से सम टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक हमास, इनके बीच में कॉन्टीन्यूस कन्फ्लिक्ट चलता रहता है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न और सोर्स बिहाइंड इनस्टेबिलिटी इन इंटायर वेस्ट एशिया. इसराइल कीप्स ऑन हरासिंग पैलेस्तीनियन पीपल एंड एट द सेम टाइम द टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक हमास कीप्स ऑन अटैकिंग ऑन इसराइल.
अब इतने सारे कन्फ्लिक्ट के कारण, ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी सालों से चला आ रहा है एंड इसके कारण द एंटायर वेस्ट एशिया रिमेन्स अनस्टेबल डिस्टर्ब्ड। और इस कारण से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी 2020 में एक पीस प्लान प्रपोज किया जिसका नाम था मिड ईस्ट पीस प्लान। आपको मैं यहाँ पे एक थोड़ा हिंट्स दे दूँ, वैसे मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिटेल में बता रखा है इन 2020 दैट यूएस कम्प्लीटली सपोर्ट्स इसराइल। क्यों सपोर्ट करता है वो भी मैंने वहाँ बता रखा है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे इस आर्टिकल को समझने के लिए कि यूएस का इनडायरेक्ट या इम्प्लिसिट सपोर्ट पूरा पूरा इसराइल को रहता है। रीज़न बीइंग दे आर सो मेनी इन्फ्लुएंशियल ज्यूइश पीपल इन यूएस आल्सो एंड बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस यूएस कीप्स ऑन सपोर्टिंग इसराइल। तो जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्लान बनाया जिसका नाम था मिड ईस्ट पीस प्लान फॉर establishing peace between Israel and Palestine, तो naturally ये जो peace plan होगा that will be more in favor of Israel। और ऐसा ही था। एक बार जरा सा इस peace plan के content को देखते हैं तो देखो जो सबसे पहला point था that Israel will have complete control over Jerusalem। अब आप यहाँ पर देखो एक छोटा सा city है Jerusalem जो बिल्कुल border region में आता है West Bank और Israel के territory के बीच में। और ये Jerusalem city दोनों ही पार्टीज़ के लिए, चाहे इसराइल हो या पैलेस्तीन हो, दोनों के लिए ही फ्रॉम देयर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि इसराइली लोगों के जो एक एंशियंट किंग थे किंग सोलोमन, उनका यहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ था पहले से, और फिर उस टेम्पल को डेमोलिश करके बाद में पैलेस्तीनियन लोगों ने यहाँ पे एक इस्लामिक रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तो अब यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ के अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं और इस कारण से दोनों ही पार्टी चाहती है कि इस एरिया का पूरा पूरा कंट्रोल उनके पास हो। और ये द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट जेरूसलम हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्तीन। और इस पीस प्लान में सबसे पहला पॉइंट कहा गया कि इसराइल को पूरा का पूरा जेरूसलम दे दिया जाएगा, तो नेचुरली पैलेस्तीन इसको पसंद नहीं करेगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो दूसरा पॉइंट था दैट ऑल एरियाज वेयर इजरायली पीपल हैव सेटल्ड इन पैलेस्तीन विल नाउ बिलोंग टू इजराइल। तो देखो आप देखो जब 1949 में पहली बार यूनाइटेड नेशन ने एक पार्टीशन प्लान रिलीज़ किया था अंडर रिजोल्यूशन नंबर 181, तो उसके हिसाब से दिस मच टेरिटरी वॉज टू बिलोंग टू पैलेस्तीन, जो रेड कलर से हमने दिखाया और ये जो ब्लू कलर से दिखाया दिस वॉज टू बिलोंग टू इजराइल। लेकिन धीरे धीरे इजरायली लोगों ने सेटलमेंट अपनी बढ़ा करके, इलीगल फोर्सफुल सेटलमेंट बढ़ा करके और कई सारा एरिया इन पैलेस्तीनियन लोगों से कैप्चर कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि मोर एंड मोर टेरिटरीज हैव बीन नाउ पास्ड टू इजरायली पीपल बिकॉज ऑफ द इलीगल एक्विजिशन और सेटलमेंट ऑफ इजरायली पीपल इन वेस्ट बैंक। और अब अकॉर्डिंग टू दिस मिड ईस्ट पीस प्लान जो भी एरिया इजरायली लोगों ने फोर्सफुली या इलीगल तरीके से कैप्चर किया है वहाँ जाकर के घर बना के सेटल हो गए हैं, लैंड कैप्चर कर लिया है, अब वो सारा का सारा एरिया विल बिलोंग टू इजराइल। अबाउट 5 लाख इजरायली पीपल हैव इलीगली सेटल्ड इन वेस्ट बैंक एंड अकॉर्डिंग टू दिस पीस प्लान पूरा का पूरा लैंड अब उन इजरायली लोगों को बिलोंग करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली इजराइल गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा। और उसके बदले में इसराइल विल पुल आउट इट्स मिलिट्री फ्रॉम पैलेस्तीन रीजन। तो इसके बदले में इसराइल ने प्रॉमिस किया कि वो जो भी उसकी आर्मी है पैलेस्तीन रीजन में उसको पुल आउट कर लेगा एंड अ $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन पैलेस्तीन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्तीन। तो ये दो प्रॉमिस किए गए इन फेवर ऑफ पैलेस्तीन और उसके बदले में उनसे उनका पूरा जेरूसलम सिटी मांगा गया दैट इज़ वेरी सैक्रेट एंड रिलीजियस फॉर पैलेस्तीनियन पीपल। और जो भी लैंड इलीगली उनसे कैप्चर किया गया है वो भी उनसे बोला गया कि आप उसको गिव अप कर दो। सो नेचुरली पैलेस्तीन रिस्पॉन्स विल बी अगेंस्ट दिस मिड ईस्ट पीस प्लान। यू कैन सी जब ये मिड ईस्ट पीस प्लान जनवरी 2020 में रखा गया था देन उस टाइम के पैलेस्तीनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने कहा था दैट दिस डिजर्व टू गो टू द डस्टबिन। ये जो भी पीस प्लान है दैट शुड गो टू द डस्टबिन। उन्होंने कहा कि पैलेस्तीन इज़ नॉट फॉर सेल, उसके लैंड को आप नहीं खरीद सकते बाय गिविंग अस एन इंसेंटिव ऑफ $50 बिलियन। तो एक तरह से पैलेस्तीन ने इस पीस प्लान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। अब करंट न्यूज़ समझते हैं। द अकॉर्डिंग टू करंट डेवलपमेंट्स अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है दैट बाय 1 जुलाई 2020 यानी कि कल सुबह तक इसराइल विल इम्प्लीमेंट दिस मिड ईस्ट पीस प्लान। इसका इम्प्लीमेंटेशन होने का मतलब ये है दैट
बाय टुमारो जेरूसलम विल बी कम्प्लीटली अक्वायर्ड बाय इसराइल। तो इसका मतलब ये है कि कल शायद से इसराइली आर्मी फोर्सफुली पूरे जेरूसलम सिटी को कैप्चर करेगी एंड 30% लैंड ऑफ पैलेस्तीन जहाँ पर इसराइली लोग सेटल हैं दैट विल बी कैप्चर्ड बाय इसराइल बाय टुमारो। और जो भी पैलेस्तीनियन ऑलरेडी उस एरिया में रह रहे हैं जिस एरिया को कल इसराइल अक्वायर करेगा फोर्सफुली, उन पैलेस्तीनियन की सारी पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स विल बी टेकन अप। तो वो पैलेस्तीनियंस की हालत हो जाएगी एक स्लेव की तरह। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज मॉडर्न डे अपार्टाइड। जैसे आप पुराने ज़माने में फिल्मों में भी देखते होंगे कि अगर किसी एक राजा ने दूसरे एरिया को कैप्चर कर लिया तो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग पहले से रह रहे थे दे वेर नॉट ट्रीटेड एज स्लेव्स। मोर और लेस दीज पैलेस्तीनियंस हु आर लिविंग इन दिस 30% लैंड दैट विल बी कैप्चर्ड बाई इसराइल, दीज पैलेस्तीनियंस विल बी नाउ ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ स्लेव इन मॉडर्न एज। तो अब इस पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, क्या इसराइल जस्टिफाइड है इस तरह के एक्विजिशन को करने के लिए, इसको जरा समझते हैं। वॉट आर द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉज। सो जो कुछ भी इसराइल प्लान कर रहा है टू डू टुमारो उसको कहा जा सकता है एक्विजिशन ऑफ ए टेरिटरी बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी भी टेरिटरी को अक्वायर करना। एंड दिस इज इलीगल अकॉर्डिंग टू मेनी इंटरनेशनल लॉज। फॉर एग्जांपल लॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस एक्शन इज इलीगल। सो मेनी टाइम्स यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज़ गिवन इट्स प्रिंसिपल्स एंड इन दैट इट्स प्रिंसिपल इट हैज़ सेड दैट नो कंट्री कैन फोर्सफुली अक्वायर टेरिटरी ऑफ सम अदर कंट्री। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से भी ये एक्शन इसराइल का इलीगल होगा। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड जिनेवा कन्वेंशन डज नॉट अलाउ फोर्सफुल एक्विजिशन ऑफ एनी कंट्री बाई अनदर। तो इसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट इसराइल अगर इसराइल ऐसा करता है तो, अगर वो 30% लैंड पैलेस्तीन से फोर्सफुली कैप्चर करता है तो। इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल रूल्स अफर्म्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड लॉज के हिसाब से दिस स्टेप प्रपोज्ड बाय इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज़ इलीगल। बट फिर भी अब देखने वाली बात यह है कि इस पे बाकी के वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या एक्शन लेते हैं, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली, ये क्या एक्शन लेते हैं। बिकॉज एज आई सेड ऑन दिस स्टेप द यूएस इज़ सपोर्टिंग कम्प्लीटली, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज़ सपोर्टिंग कम्प्लीटली इसराइल। सो इट इज़ येट टू बी सीन कि दुनिया भर की कंट्रीज एंड ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिएक्ट करते हैं अगर ये मिड ईस्ट पीस प्लान को पूरी तरह से इसराइल ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो। The next article is taken from international segment. It is about India-Bhutan Haidal project. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially subtopic India and its neighborhood relations. देखो, with help of this article, सबसे पहले हम लोग India-Bhutan के relations को cover करेंगे and then we will cover the current topic. तो सबसे पहले हमें एक बात जाननी चाहिए कि 1910 भूटान वाज मेड अ प्रोटेक्टरेट स्टेट बाय ब्रिटिशर्स। भूटान को कभी भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल या कैप्चर नहीं किया जैसे उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया था, बट इन 1910 भूटान वाज मेड अ प्रोटेक्टरेट स्टेट। प्रोटेक्टरेट स्टेट मतलब द फॉरेन पॉलिसी ऑफ भूटान वाज टू बी नाउ डिटरमाइंड बाय ब्रिटिशर्स एंड ओवरऑल डिफेंस ऑफ भूटान वाज टू बी नाउ टेकन केयर बाय ब्रिटिशर्स। व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट, China captured some of the border villages of Bhutan in 1947. And these border villages का यहाँ पर हमने नाम भी depict कर रखा है, उसमें सबसे important है ये Doklam Plateau। इसका नाम आपने कई दफ़ा सुना होगा। इन 2017 there was conflict between Indian and Chinese soldiers because of this Doklam Plateau। उस conflict में original जो stakeholders थे they were Chinese and Bhutanese soldiers, लेकिन Bhutanese soldiers के support में Indian soldiers आ गए and that is why Doklam conflict turned into a conflict between India and China। And why this conflict happens? Because this Doklam Plateau has been illegally captured by China. It originally belongs to Bhutan. Right after independence, India and Bhutan signed a treaty known as Treaty of Friendship in 1949. तो अब आप एक एंगल आप समझ गए होंगे। The China angle has ensured that Bhutan remains all weather friend and or a permanent friend with India. क्योंकि China के साथ Bhutan के territorial disputes हैं। Let us see the
Treaty of Friendship of 1949 that was signed between India and Bhutan. As per this treaty, India and Bhutan have agreed to extend national treatment to each other. National treatment का मतलब ये है कि भूटान के जो भी nationals हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, they will be treated as Indian nationals if they enter into Indian territory, and Indian nationals will be treated as Bhutanese national if they enter into Bhutani territory. वैसे ही भूटान का product इंडिया में आराम से बिक सकता है and it will be treated as Indian product, and इंडिया का product भूटान में आराम से बिक सकता है, इट विल बी ट्रीटेड एज भूटानी प्रोडक्ट. तो इसका ये मतलब होता है नेशनल ट्रीटमेंट का, कि आपके यहाँ के सिटीजन्स आराम से जाकर के दूसरे जगह पे घूम सकें और वैसे ही एक कंट्री का प्रोडक्ट आराम से दूसरे कंट्री में जाके बिक सके. दैट इज नोन एज नेशनल ट्रीटमेंट. तो आप सबको एक बात पता होगी कि हमारे यूपीएससी एग्जाम में भी भूटानीज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई एंड दे कैन ऑल्सो गेट जॉब्स लाइक आईएएस एंड आईपीएस बिकॉज ऑफ दिस नेशनल ट्रीटमेंट प्रोविजन अंडर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. वो यूपीएससी का एग्जाम भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेशनल ट्रीटमेंट. एट द सेम टाइम इंडिया एंड भूटान हैव बॉर्डर, ओपन बॉर्डर, सो आराम से one can move across the border and there is no visa requirement for Indian nationals to move into Bhutan and vice versa. अब इंडिया भूटान की कॉमर्शियल डिप्लोमेसी समझ लेते हैं. तो देखो इंडिया भूटान के बीच का अगर ट्रेड रिलेशन हमें समझना है तो हमें एक बात को समझना हो कि इंडिया ने सबसे पहले 1961 में भूटान को हेल्प किया था इन प्रिपरेशन ऑफ इट्स फर्स्ट फाइव ईयर प्लान. उसके बाद से भूटान हैज़ बीन हेविली डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर इट्स ट्रेड. अबाउट 80% ऑफ भूटान ट्रेड इज़ कंडक्टेड विथ इंडिया. भूटान गॉट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1971 विथ इंडिया सपोर्ट. भूटान से जो कुछ भी इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, अब इंडिया इंपोर्ट्स मिनरल्स, हाइड्रो पावर, वुड एंड केमिकल्स, वाइल एक्सपोर्ट्स टू भूटान आर मशीनरी एंड फूड प्रोडक्ट. तो हम लोग भूटान के अंदर मशीनरी एंड फूड प्रोडक्ट बेचते हैं जबकि भूटान इंडिया के अंदर मिनरल्स, हाइड्रो पावर एंड केमिकल्स बेचता है. एंड द ट्रेड इज गवर्न्ड बाई अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स 2006. तो इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रेड अग्रीमेंट है नोन एज अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स साइंड इन 2006 एंड दैट अलाउज ड्यूटी फ्री ट्रेड. मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स भूटान में बिक सकते हैं बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी दे हुए एंड लाइकवाइज भूटानीज प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन इंडिया. एट द सेम टाइम भूटान इज ऑल्सो अलाउड अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट टू हैव अ टेरिटरी फॉर थर्ड कंट्री ट्रांजिट. तो देखो ये थर्ड कंट्री ट्रांजिट का मतलब समझ लो, भूटान को अगर मान लो किसी तीसरे कंट्री फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के साथ ट्रेड करना है देन भूटान विल बी प्रोवाइडेड ट्रांजिट बाय इंडिया. मतलब इंडिया अपना एक पोर्ट प्रोवाइड करेगा भूटान को टू कंडक्ट ट्रेड विथ एनी थर्ड कंट्री फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया. तो इंडिया ने इस पर्पज़ के लिए अपना कोलकाता पोर्ट अवेलेबल करा रखा है भूटान के लिए फॉर दिस थर्ड पार्टी ट्रांजिट. सो भूटान कैन ईजिली ट्रेड विथ एनी थर्ड पार्टी. कोलकाता पोर्ट हेल्प्स इन दिस थर्ड पार्टी ट्रांजिट. इंडिया भूटान रिलेशंस को अगर ओवरऑल फेज वाइज देखना है देन यू विल फाइंड दैट फेज वन बिटवीन इंडिया एंड भूटान इज कंसिडर टू बी फेज बिटवीन 1962 एंड 1980 वेर इंडिया हेवली हेल्प्ड भूटान इन डेवलपिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोडवेज, सम पावर प्लांट्स. इन 1980 टू 2000 इंडिया हेल्प भूटान टू डेवलप डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एंड फ्रॉम थर्ड फेज दैट इज 2000 ऑनवर्ड्स इंडिया हैज़ बीन हेल्पिंग भूटान इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी डेवलपमेंट एंड पोर्ट एक्सेसिबिलिटी. आपको मैंने बताया जैसे कि थर्ड ट्रांजिट एक्सेस दिया है इंडिया ने भूटान को, दैट इज कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ फेज थ्री बिकॉज इट वॉज साइन, इट इज अवेलेबल एज ए रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड भूटान इन 2006. एक बार हाइड्रो डिप्लोमेसी भी समझ लेते हैं भूटान के साथ. इंडिया और भूटान के बीच में जो सबसे स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है, जो सबसे स्ट्रांग इंटीग्रेशन है या बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रो डिप्लोमेसी. देखो भूटान से कई सारी नदियां भूटान के हिमालय साइड से नीचे की तरफ फॉल करती हैं एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल इन दीज रिवर्स बिकॉज दे फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट, दे हैव ह्यूज काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज वाई दे हैव ह्यूज पोटेंशियल टू जनरेट हाइड्रो पावर. लेकिन भूटान के पास अपने आप में कुछ रिसोर्स नहीं था, ना टेक्नोलॉजी थी टू टैप दिस हाइड्रो पावर. इस हाइड्रो पावर का पोटेंशियल तो था क्योंकि कई सारी नदियां वहां से फॉल करती हैं फ्रॉम हिमालय साइड, लेकिन भूटान के पास ना टेक्नोलॉजी थी ना पैसा था. एंड दैट इज़ वाई 1987 इंडिया हेल्प्ड भूटान टू डेवलप इट्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. उसके पहले तक भूटान वाज़ ए पावर स्कैर्स कंट्री, लेकिन फिर इंडिया ने कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप कराए भूटान के अंदर. एंड फ्रॉम बाय 2007 भूटान बिकेम अ हाइड्रो पावर
सरप्लस कंट्री ओवरऑल, अब भूटान के पास काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो पावर है और वो पूरे दुनिया भर में हाइड्रो पावर, खासकर इंडिया को, बांग्लादेश को वो हाइड्रो पावर बेचता है और उससे काफ़ी सारा फॉरेक्स रिजर्व कमाता है। सो इन दिस वे इंडिया हैज़ हेल्प्ड भूटान इन अर्निंग फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया ने टेक्नोलॉजी से मदद की, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया भूटान के अंदर इन ऑर्डर टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो हाइड्रो डिप्लोमेसी इज़ वेरी स्ट्रांग बिटवीन इंडिया एंड भूटान। मैनी इंडियन कंपनीज आर वर्किंग इन भूटान टू जनरेट हाइड्रो पावर। और ये जो करेंट न्यूज है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ हाइड्रो पावर इट्सेल्फ। देखो, इंडिया और भूटान के बीच में ऑलरेडी ज्वाइंट तरीके से 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा चुके हैं पिछले 30 साल में। इंडिया ने कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करवाए हैं भूटान से, उसको रिसोर्स फंडिंग करके, उसको टेक्नोलॉजी फंडिंग करके। उसके अलावा इंडिया एंड भूटान हैव ज्वाइंटली डेवलप्ड 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन लास्ट 30 ईयर्स। ओवरऑल इट्स कैपेसिटी 2100 मेगावाट। और 4 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया और भूटान के बीच में साइन हुए हैं बट दे आर येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। उसमें से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन ट्रियासांगटे प्रोविंस ऑफ भूटान। आप देख सकते हैं ये है ट्रियासांगटे प्रोविंस ऑफ भूटान, जहाँ पे ये खोलोंगचू प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान के बीच में अग्री किया गया था 2014 अप्रैल में ही। तो तब से ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। करंट न्यूज़ ये है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी है 600 मेगावाट, इससे रिलेटेड कंसेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है। कंसेशन एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि व्हेन गवर्नमेंट अलाउज अ कंपनी, एनी अदर प्राइवेट कंपनी टू ऑपरेट ऑन इट्स बिहाफ। तो देखो हुआ क्या है, मैं आपको फिर से इस करंट न्यूज़ को समझाता हूँ। 2014 में इंडिया और भूटान गवर्नमेंट ने मिलकर के एग्रीमेंट साइन किया कि हम यहाँ पे खोलोंगचू प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ कंसेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो इंडिया के साइड से ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी और भूटान गवर्नमेंट ने भूटान की एक कंपनी ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो भूटान के साइड से ये कंपनी इस पावर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी और दोनों ही कंपनी का स्टेक होगा 50-50%। तो दिस इज नोन एज कंसेशन एग्रीमेंट। 2014 में इंडिया और भूटान गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था और अभी जो ये न्यूज़ आर्टिकल है दिस इज रिगार्डिंग कंसेशन एग्रीमेंट, जिसमें दोनों ही साइड की गवर्नमेंट्स अपने अपने साइड की कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज़ अबाउट बैन ऑन चाइनीज ऐप्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, कल इंडिया ने एक बहुत ही मेजर डिसीजन लेते हुए चाइनीज ओरिजिन के 59 ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया। सम ऑफ द ऐप्स आर वेरी पॉपुलर लाइक टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर रेट, कैम स्कैनर। और ये बैन आया है आफ्टर कंटिन्यूड बॉर्डर टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ टाइम से बॉर्डर टेंशन चल रहे थे और उसके बाद ये बैन आया है। बट नेचुरली बॉर्डर टेंशन का कारण बता के तो इंडिया इस बैन को ला नहीं सकता था। तो देखते हैं कि इंडिया ने आखिर क्या लीगल बेसिस बताया, ऑन व्हाट ग्राउंड इंडिया हैज़ पुट दिस बैन। वैसे तो यू ऑल नो कि ये बॉर्डर टेंशन के कारण ही ये पूरा का पूरा स्टेप इंस्पायर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्शन लिया है चाइनीज़ कंपनी के अगेंस्ट। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो जस्टिफिकेशन दिया है, जो लीगल बेसिस बताया, वो जरा समझते हैं। दिस हैज बीन इन्फोर्स्ड अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके किसी भी ऑफिसर को अथॉरिटी है, ऑफ कोर्स एक सर्टेन लेवल के बाद के ऑफिसर को अथॉरिटी है, द इफ ही और सी इज सेटिस्फाइड कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर किसी भी टेक्नोलॉजिकल ऐप को या कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट को बैन करना है दैट इज थ्रेट ओवर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बैन दैट ऐप और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन्स प्रोवाइडेड अंडर 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सरल शब्दों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A भारत सरकार को ये पावर देता है कि अगर भारत सरकार या उसके किसी ऑफिसर को लगता है कि एनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और ऐप इस पोस्टिंग और पोजिंग एनी थ्रेट ऑन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और पुट बैन ऑन दैट ICT प्रोडक्ट और ऐप।
एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज सेड कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं रिगार्डिंग दी चाइनीज़ ऐप्स, कि ये चाइनीज़ ऐप्स जो हैं इंडियन यूजर्स, इंडियन मोबाइल यूजर्स के मोबाइल फ़ोन से डेटा चुराते हैं और वो फिर चाइना में उसको भेजते हैं और बेचते भी हैं. So on the basis of so many complaints and requests received by Ministry of Information and Technology, the Government of India has imposed Section 69A of Information Technology Act and has banned so many, about 59 Chinese apps, because they are accused of stealing data from Indian mobile users and selling it in Chinese market. And overall, this threatens right to privacy of Indian individuals, Indian citizen. At the same time, it puts overall India's national security at threat. सो अब ज़रा देखते हैं कि ये बैन इम्पोज कैसे होगा, आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा. तो जो भी हमारे यहाँ के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अब उन सब को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि अगर कोई भी इंसान इन ऐप्स को यूज करने की कोशिश करे तो यू हैव टू शो अ मैसेज दैट दिस ऐप हैज़ बीन नाउ रिस्ट्रिक्टेड. तो कई सारे जो ऐप्स हैं जो इंटरनेट की मदद से ही चलते हैं, जैसे टिकटॉक, यूसी न्यूज़, अब इन सारे ऐप को तो जैसे ही आप ओपन करेंगे देन यू विल गेट ए मैसेज दैट दिस ऐप हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन कुछ एक ऐसे ऐप हैं जिनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, उन सारे ऐप जैसे कि कैम स्कैनर वगैरह, उन सारे ऐप्स को आप अभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें फर्दर कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा. और अगर आप उसको अपग्रेड करने जाएंगे, इफ़ यू कनेक्टेड विथ इंटरनेट, देन दैट ऑल्सो विल बी रिस्ट्रिक्टेड. And let us see what will be the impact of this ban. इस ban का Indian users के ऊपर या India के ऊपर क्या impact होगा वो भी ज़रा समझ लेते हैं. तो देखो, इन सारे apps में से जो सबसे popular app है वो है TikTok. It has more than 100 million active users. तो overall Indians के लिए it had become a source of entertainment. So that way some Indians will be negatively impacted. उसके अलावा so many people had now used this TikTok to have a career in this field. TikTok had become a source of having a career. You must be knowing कि कई सारे लोगों को आजकल TikTok star नाम से भी जाना जाता है. So they were using this as a source of earning, using it as a source of making their career. They will be negatively impacted. उसके अलावा कई सारे cheap Chinese app हैं, जैसे Cam Scanner, Club Factory, UC Browser. इनको छोटे मोटे offices में, छोटी मोटी कंपनियों में यूज किया जाता है फॉर देयर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब. अब अगर इनको एकाएक से बंद कर देने के बाद उन सारी कंपनियों का प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगा. उसके अलावा आपको एक और बात समझनी है कि भले ही ये चाइनीज ऐप हैं, लेकिन इनके डेवलपर्स कई दफ़ा इंडियन कंपनियां होती हैं. देखो, एक चीज़ होती है सोर्स कोड, मतलब बेसिक कोड. वो बेसिक कोड भले ही चाइनीज हो, लेकिन कई दफ़ा उस बेसिक कोड को खरीद करके इंडियन कंपनी उस ऐप को बिल्ड करती हैं. ओवरऑल उस ऐप को बिल्ड करने वाली इंडियन कंपनीज होती हैं. तो ऐसे कई सारे चाइनीज़ ऐप्स हैं जिनको बंद किया गया है, जिनका सोर्स कोड या बेसिक कोड चाइनीज़ ओरिजिन का था, लेकिन उसको रन कर रही थी, उसको बनाया था किसी इंडियन कंपनी ने, उसको रन कर रही थी वो इंडियन कंपनी. तो कई सारे लोग जो उस इंडियन ऐप कंपनी में काम कर रहे थे, जिन्होंने सोर्स कोड चाइना से ख़रीदा था, वो सारी अब इंडियन कंपनियाँ बंद हो जाएंगी. एंड दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन वर्किंग इन दीज इंडियन कंपनीज, जिन्होंने चाइनीज सोर्स ऐप खरीद के इंडिया में ऐप लॉन्च किया हुआ था. अब जरा समझते हैं कि विल दिस एक्ट बैन बी परमानेंट. देखो, टिकटॉक के ऊपर कुछ दिनों पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी बैन लगाया था, बट इस बार ये जो बैन है दैट हैज कम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट टू विद स्ट्रिक्टर नॉर्म्स. तो दैट मीन्स दिस बैन इज गोइंग टू बी मोर और लेस परमानेंट. And why this act was important? This act was important to avoid Chinese imperialism. देखो, अगर पिछले कुछ सालों का डेटा देखें then you will find that some of the major Chinese investors like Alibaba, Tencent, TR Capital, इन्होंने इंडिया के अंदर $5.5 billion से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है. और कई सारी इंडिया की स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, कई सारे इंडिया के स्टार्टअप्स को इन्होंने खरीद लिया है. अगर आप डेटा देखें then you will find that आउट ऑफ 29, 16 इंडियन यूनिकॉर्न्स, मतलब बिग स्टार्टअप्स हैविंग वैल्यू मोर देन $1 billion, हैव बीन नाउ ओन्ड बाई चाइनीज इन्वेस्टर्स. तो अब धीरे धीरे चाइनीज इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रेट एट विच चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टार्टअप मार्केट, मोर और लेस ऑल द इमर्जिंग बिजनेसेस विल बी हेल्ड बाई चाइनीज कंपनी. तो अब इस पर्टिकुलर स्टेप से बाय बैनिंग चाइनीज ऐप्स, इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरह का मैसेज भेजा है, एंड दैट विल डिस्करेज अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज कंपनी इंडियन स्टार्टअप मार्केट. और इस तरीके से
एक निगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, इंडियन स्टार्टअप्स को थोड़े फंडिंग के इशूज़ होंगे, बट एट द सेम टाइम इंडियन स्टार्टअप्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम चाइनीज इम्पीरियलिज्म. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज़ अबाउट ऑर्डिनेंस फॉर MSME. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 असम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं. तो करंट न्यूज़ ये है कि आप सबको पता है कि बिकॉज ऑफ COVID-19 इम्पैक्ट हर एक पूरे इंडिया भर में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में देयर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ असम इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन. तो अब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी को फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस करने के लिए द असम गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ एन ऑर्डिनेंस. एंड इन दिस ऑर्डिनेंस देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर MSME जल्दी से आराम से खुल सकें और अच्छे से फंक्शन कर पाएँ. इसके लिए MSME को ओपन करने का जो प्रोविजन है वो काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया असम गवर्नमेंट ने विथ हेल्प ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. अब इस नए ऑर्डिनेंस के हिसाब से अगर आपको कोई एक नई MSME कंपनी खोलनी है, देन यू जस्ट नीड टू सेंड एन एप्लीकेशन टू इंडस्ट्री कमिश्नर एंड एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री कमिश्नर कि हाँ उनको ये एप्लीकेशन मिल गया है. दैट एक्नॉलेजमेंट विल बी सफिशियंट. दैट एक्नॉलेजमेंट विल एक्ट लाइक अ सर्टिफिकेट. दैट एक्नॉलेजमेंट विल एक्ट लाइक अ लाइसेंस फॉर यू टू स्टार्ट योर न्यू MSME कंपनी. उसके अलावा जो बेसिक परमिट चाहिए, जैसे कि पावर एंड फायर डिपार्टमेंट से सर्विस, पावर और फायर सर्विस डिपार्टमेंट से, यही दो डिपार्टमेंट से बस आपको बेसिक परमिट चाहिए और ये दोनों परमिट भी आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएगा. सो यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू ऑर्डिनेंस, जो ये प्रोविजन है एक नया MSME स्टार्टअप खोलने का, वो काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया असम गवर्नमेंट ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग MSME बिजनेसेस को ओपन करें और धीरे धीरे स्टेट ऑफ असम की इकोनॉमी रिवाइव करें. 3 साल बाद भी इस प्रोसेस को सिंपल रखा जाएगा, लेकिन 3 साल बाद ये जो टोटल परमिशन का लिमिट है अभी के लिए 2 महीने तक रिड्यूस कर दिया गया है. आफ्टर 3 ईयर्स इट विल बी नाउ एक्सटेंडेड टू 6 मंथ्स. सो आफ्टर 3 ईयर्स इफ़ यू हैव टू ओपन एन MSME कंपनी, द टाइम रिक्वायर्ड विल बी 6 मंथ्स, बट नाउ द टाइम रिक्वायर्ड इज़ ओनली 2 मंथ्स. एक बार जरा सा बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं MSME से रिलेटेड, क्योंकि ये इस साल न्यूज में था और इसलिए इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं. देखो MSME का डेफिनेशन इस साल भारत सरकार ने बदल दिया है. पहले डेफिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. हियर वी हैव गिवन द ओल्ड डेफिनेशन दैट यू नीड नॉट टू मग अप, बट यू नीड टू कीप द न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर इन योर माइंड. नाउ माइक्रो सेक्टर्स आर दोज हुज एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, वाइल स्मॉल सेक्टर्स आर दोज हुज एनुअल टर्नओवर इज बिटवीन 5 to 75 crore एंड मीडियम सेक्टर्स आर दोज हुज एनुअल टर्नओवर इज बिटवीन 75 to 250 crore. अब जरा देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ MSME सेक्टर. MSME सेक्टर का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, सम ऑफ द फैक्ट्स और डेटा कैन बी यूटिलाइज इन आंसर राइटिंग. 6.34 crore MSMEs आर ऑपरेशनल इन इंडिया. तो आप सोचो कि कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते होंगे. दीज MSMEs जनरेट अबाउट 11 crores ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट आउट ऑफ दीज MSMEs 99.5% आर इन माइक्रो कैटेगरी, वाइल ओनली 0.5% आर इन स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी. ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ MSME टू GDP इज अबाउट 40% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू अबाउट 45% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट. सो यू कैन सी दैट हाउ सिग्निफिकेंट रोल MSME सेक्टर प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट. इट इज अबाउट करप्शन इन MGNREGA स्कीम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 असम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले MGNREGA के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं. MGNREGA स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. दिस वॉज लॉन्च इन 2006, जिसका मेन पर्पस है कि रूरल एरिया में जो भी अनस्किल्ड लोग हैं उनको मिनिमम 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाए एट ए मिनिमम वेजेस. अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कोई भी स्किल नहीं आती, तब भी आपको, अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं, तो आपको 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएगी भारत सरकार एट मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेजेज होते हैं लगभग 180 रुपीज़. तो इस तरीके से यू आर नाउ गारंटेड ऑफ अबाउट अर्निंग ऑफ 18,000 रुपीज़ एवरी ईयर. एंड दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MGNREGA एक्ट वॉज टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड ब्रिंग पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन अबोव पॉवर्टी लाइन. एंड दिस स्कीम इज बींग रन बाई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. द मिनिमम वेज इज फिक्सड बाई द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट. एंड दिस स्कीम इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके इस स्कीम को चलाते हैं. एंड इट इज़ वन ऑफ द 6 core ऑफ द कोर स्कीम. अब जरा करंट न्यूज़ समझते हैं. तो देखो करंट न्यूज़ इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि MGNREGA स्कीम के अंदर देयर इज रैम्पेंट करप्शन.
एमजी नरेगा में होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को मान लो एक काम दिया गया है कच्ची सड़क बनाने का या कोई वेल बनाने का गांव के क्षेत्रों में, तो अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसने, उसने इस तरह के कई सारे वर्कर्स का जिनका एमजी नरेगा कार्ड बना हुआ है उन सारे वर्कर्स का कार्ड ले लेता है और इन सारे वर्कर्स को उस प्रोजेक्ट में इनरोल करा देता है और फिर वो प्रोजेक्ट को वो ऑफिशियली ले लेता है ऑन पेपर, बट ही नेवर इम्प्लीमेंट्स दैट प्रोजेक्ट। मान लो रोड बनानी है, वो रोड कभी नहीं बनाएगा और फिर वो प्रपोजल सबमिट कर देगा कि मैंने ये रोड बना दी है, आप मुझे पैसा रिलीज़ करो। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, वो पैसा रिलीज़ करती है इन देयर अकाउंट, इन दिज वर्कर्स अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द मिनिमम वेजेज, लेकिन इनका कार्ड तो पहले ही इस कॉन्ट्रैक्टर ने ले रखा है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि द गवर्नमेंट ट्राइज टू डायरेक्ट द फंड और गिव द फंड टू दीज वर्कर्स, बट द सिंस द दिस कॉन्ट्रैक्टर हैज ऑलरेडी टेकन कार्ड ऑफ दीज विलेजर्स, सो द फंड अल्टीमेटली गोज टू दिस कॉन्ट्रैक्टर वाया बैंक, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इन लोगों का एम जी नरेगा का कार्ड भी ले लेता है, इनका बैंक अकाउंट डिटेल्स भी ले लेता है और फिर इनके पासबुक भी ले लेता है। और इस तरीके से देखो एक पूरा का पूरा लाइजनिंग चल रहा है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि गाँव के लोगों ने, इन सारे लोगों को कुछ काम भी नहीं करना पड़ा, दे गॉट सम मनी, तो एंड द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो गॉट बेनिफिटेड, लेकिन जो पर्पज़ था रोड बनाना वो कभी बना नहीं। अब मान लो हर एक इंसान को 180 रुपये आए पर दिन के काम के हिसाब से फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाया बैंक, अब ये कॉन्ट्रैक्टर उसमें से 100 रुपीज़ खुद रख लेता है और इन लोगों को 80 रुपये दे देता है और इस तरीके से इनको बिना कुछ काम किए 80 रुपये मिल गए, इनका एम जी नरेगा कार्ड इसने यूज करके 100 रुपये इसने कमा लिया। सो दिस इज़ अ मैसिव करप्शन गोइंग ऑन इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। तो यू कैन यूज दिस as an example of corruption whenever you are writing an answer if there is any question on corruption, especially in paper 2 governance. In our segment target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 488 to 490. Topic number 488 is about Pakke Tiger Reserve. Pakke Tiger Reserve is situated in the state of Arunachal Pradesh corridor. The highway aims to connect Arunachal Pradesh with Assam. Pakke Tiger Reserve, declared in 1999, lies in the foothills of Eastern Himalaya in East Kameng district of Arunachal Pradesh. It is known, also known as Pakhui Tiger Reserve. It falls within the Eastern Himalaya biodiversity hotspot. It is known for amazing sightseeing of 4 resident hornbill species. It is bounded by Kameng River in the west and north. And please attempt this question that is based on this topic. Topic number 489 is about nutrient based subsidy scheme. In 2010, the government has launched a nutrient based subsidy scheme program under which a fixed amount of subsidy decided on the annual basis is provided on each grade of subsidized phosphatic and potassic fertilizer except for urea based on nutrient content present in them. Retail prices for non-urea fertilizer such as diammonium phosphate, muriate of potash and NPK are decontrolled and determined by manufacturers while center gives fixed subsidy each year. Recently, Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved inclusion of complex fertilizer like ammonium phosphate under nutrient based subsidy scheme. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 490 is about vulture and eagle population. The number of birds in Western Ghats, which is considered to be one of the world's foremost biodiversity hotspot, has declined by 75% since 2000. The number of vultures and eagles have decreased in our country. The 4 species of bustards in India that are Great Indian Bustard, Machin Bustard, Lesser Florican and Bengal Florican have all suffered continuous population decline because of historical hunting and widespread habitat loss compounded with their slow growth and reproduction. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 485 to 487 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 488 to 490 can be obtained by the students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.